हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट फिजिकल मशीन इनटू अ वर्चुअल मशीन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस टूल की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं डिस टू वी एच डी। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टूल है, रन करते हैं इसको। टूल रन हो चुका है हमारा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि जितनी भी ड्राइव्स हैं हमारे पास सब ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हैं, तो इनको सबको अनसेलेक्ट कर लें। मुझे फिलहाल जो है वो सी सेलेक्ट रखनी है क्योंकि मैं चाहता हूं मैं सी का जो है वो बेसिकली इमेज बनाऊं। अगर आप लोगों का ऐसा सिनेरियो है कि आपको डी ई एफ भी लेनी है तो आप उस पर भी चेक लगा सकते हैं, उन सबकी एक ही वी एच डी एक्स बन जाएगी जो हम वर्चुअल मशीन पे रन करेंगे। इन दोनों ऑप्शन पे चेक लगा होना चाहिए और यहाँ से हम बताएंगे कि हमें इमेज बेसिकली किस पार्टीशन में चाहिए अपने। ओपन कर लेते हैं इसको। मैंने बेसिकली एक अलग से ड्राइव अटैच की हुई है जिसके अंदर मैं इमेज बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसको फिलहाल नाम दे देता हूँ टेस्ट और सेव। मैंने सिर्फ सी सेलेक्ट की है, फिर से बता देता हूँ, क्रिएट होना शुरू हो गई है। यहाँ पे टाइम आ रहा है, अप्रोक्सीमेट टाइम होता है बेसिकली है। थोड़ा टाइम लगता है इस स्टेप में, मैं आप लोगों से मिलता हूं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। सो व्यूअर्स, इमेज रेडी हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको हाइपर वी पे किस तरह से रन करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं सबको, हाइपर वी ओपन कर लें। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, न्यू वर्चुअल मशीन में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, जो भी आपको नाम रखना है वर्चुअल मशीन का। मैं फिलहाल रख लेता हूँ VM1, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, जो भी आपको रैम देनी है 2048, मैं फिलहाल 2GB पे रन करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, ईथरनेट की अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की। सो व्यूअर्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक ISO फाइल के थ्रू विंडो इंस्टॉल की जाती है तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे ही रहना होता है, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क पे। अभी हमें फिलहाल जो है वो VHDX के थ्रू करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको ब्राउज कर लेते हैं। जो हमने VHDX बनाई है वो हमने बनाई है पासपोर्ट ड्राइव में, ये फिलहाल नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। इसको स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट तो हो गई है, फर्स्ट टाइम ये मशीन जो है वो हाइपर वी पे बूट हो रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगी। बस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है आई थिंक। विंडो स्टार्ट हो चुकी है, लॉगिन करते हैं। विंडो स्टार्ट हो चुकी है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने सिर्फ सी पार्टीशन सेलेक्ट किया था तो हमारे पास फिलहाल एक ही पार्टीशन आ रहा होगा। C
सी पार्टीशन हमारे सामने है, अगर मैं वहाँ पे डी सेलेक्ट करता तो डी भी आ जाता, ई सेलेक्ट करता तो ई भी आ जाता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक फिजिकल मशीन को कन्वर्ट करते हैं वर्चुअल मशीन में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।